में आया है, कौन सी मछली ले रहा है? मैं खाते तो नहीं ले रहा हूँ। ये आपने खाई इसे? हाँ। कैसी होती है? बढ़िया लगता है। ये इसी क्षेत्र में मिलती है और भी जगह? हाँ, ये कई जगह मिल जाता है। ये छत्तीसगढ़ में ही मिलता है या और भी कहीं प्रदेश में? लेते हैं। बनाते मसाला वसाला डाल के, प्याज मिर्ची सब डाल के, पूरे मसाला जितना भी है डाल के बनाते हैं। हाँ, ठंडियों में बच्चे होने में ये सब में फायदे करते हैं। मछली के बारे में हमने बहुत सुना है और ये बहुत फायदेमंद होती है, डॉक्टर भी इसको खाने की सलाह देते हैं। टीबी के मरीजों को जच्चा को खिलाई जाती है जब बच्चे होते हैं, तो डॉक्टर और घर के बुजुर्ग जो होते हैं कि कहते हैं कि मछली खिलाओ जिससे फायदा होगा। गर्म होती है तो इसको हर कोई खाना चाहता है और सर्दियों में ज्यादा ही मछलियाँ बिकती हैं। तो जो झींगा मछली है मैंने सुना था बंगाल में और उड़ीसा में मिलती है, लेकिन जब हम यहाँ से रायपुर के शास्त्री बाजार सब्जी मंडी के पास से गुजर रहे थे तो एक दुकान बड़ी सी दिखी और वहाँ पे काफी वैरायटी की झींगा मछली रखी हुई। तो ये मेरे साथ है रूबी और इनसे जानेंगे कि ये कितने वैरायटी की मछली रख रही हैं, कब से ये धंधा कर रही हैं और इससे क्या फायदे हैं। ग्राहक जैसे लेते हैं, जैसे 20 का मांगते तो 20 का देती, 30 का मांगते तो 30 का देती, 50 का मांगते 50 का देती। कहाँ से लाती हैं? इसको लाती हूँ मैं गाँव से, छोटे छोटे गांव रहता है ना, वहीं से लाती हूँ। इसको किस तरह से पकाते हैं? इसको गर्म पानी से धोते हैं, टमाटर प्याज अच्छे से डालते हैं, अच्छे से ग्रेवी बनाते हैं और उसी ग्रेवी में गर्म पानी से धो के उसको डालते हैं उसी सब्जी में। और ये बहुत सारे सब्जी के साथ बनता है, लौकी हो गया, जैसे के बरबट्टी हो गया और बाड़ी हो गया, आलू प्याज हो गया, कोई भी सब्जी में आप इसको ऐड करके बना सकते हैं। मूली और भाटा में सबसे प्रिय लगता है जैसा वो सूखा मछली उस पार का है। मूली और भाटा में अगर कभी आप लोग नहीं खाए होंगे तो बात अलग है, जो खाने वाले उनसे भी पूछ लेना, मूली और भाटा में ये सब्जी बहुत बेहतरीन लगती है। ये कौन सी मछली बोली जाती है? इसको झींगा बोलते हैं, बहुत प्रकार की मछली है, मिक्स है इसमें। हर प्रकार, इसमें मिक्स नहीं है, अलग अलग मछली है। बांबी, रुदवा, टेंगना, डड़ाई, सरांगी। कौन लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा इसको छत्तीसगढ़ के रहने वाले पसंद करते हैं। इसको हर कस्टमर खाते हैं, बंगाली खाते हैं, मराठी लोग खाते हैं, उड़िया लोग खाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण और मिश्रा इस तरह को छोड़ के बाकी सब खाते हैं। मुस्लिम कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, उसको मुस्लिम ग्राहक भी बहुत आते हैं। जैसे आप मछली ली आपने तो पहले कहाँ से लेती हैं, कहाँ से आ रहा है? मैं इसको छोटा छोटा जैसे गांव होता है, जैसा क्या महादेव घाट के आगे हो जाता है, अमेरी बोलते हैं उसको, और छोटा छोटा गांव हो जाता है, जाम गांव हो गया, जैसे कुरुद हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉम्बे तक के मेरे को जाना पड़ता है, बॉम्बे नासिक, यहाँ तक के मैं वहाँ तक के, यहाँ तक के यूपी उत्तर प्रदेश तक के भी मेरे को जाना पड़ता है, लखनऊ गोरखपुर ये सब जगह मेरे को अकेले जाना पड़ता है। वहाँ से मैं माल खुद खरीदी करके ट्रेन से बुक करवाती हूँ, उसके बाद में यहाँ तक मैं माल लेके आ, मेरे को वहाँ पर मिलता है 400, 500, 700 देख के मिलता है, तो मैं अपना बजट गाड़ी भाड़ा सब जोड़ के कभी इसमें मेरे को 200 में मिलता है, तो कभी कोई सामान में 100 रुपये भी मिलता है, कभी कोई में 50 भी मिलता है, उसको देख के बेचना पड़ता है। ये आप स्टोर करके रखना चाहो तो 6 महीना तक के रहता है, और 6 महीना से ज़्यादा मतलब रखोगे तो इसमें कीड़ा हो जाता है, ख़राब होता है, बारिश के टाइम में सूखा मछली बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसमें जितना लागत रहता है और उससे ज़्यादा नुकसान भी होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी वाले ज़्यादा खरीदते हैं, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, एक दवा के ही टाइप का काम करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बिकता भी है। पुरुष के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे सर्दी हो गया, ठंडी ठंडी में इसको खाओ तो यह है कि एक तरह का से ठंडी बिल्कुल नहीं लगता, बहुत गर्म चीज़ है ये, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बुजुर्ग लोग तो बहुत चॉइस से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मछली, हर वैरायटी का जो मछली है मेरी दुकान में मिलता है,
जो भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं वो भाई बहन जरूर मेरी दुकान में आए और इस अच्छे मौके में आके कुछ सामान मेरे से लेके जाएं और एक सब्जी फ्री लेके जाएं और दूसरे सब्जी में खरीद के खाएं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।